प्रिय बंधु, प्रसव, मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ और कैंसर के बाद आज का विषय दमा, जिसने इस आधुनिकता के युग में अस्थमा नाम धारण किया है। दमे की भयानकता से आज बच्चे से लेकर बूढ़े तक परिचित हैं। बहुत से केसों में पैदा होते ही बच्चा इस रोग से पीड़ित पाया जाता है। यह स्थिति अत्यंत शोचनीय है। दुर्भाग्य यह है, आज इस प्रगतिशील समाज ने इसे सामान्य रूप में स्वीकार कर लिया है। एक छोटा बच्चा इनहेलर से अपना जीवन आरंभ करे, समाज, सरकार और स्वास्थ्य योजना के लिए इससे अधिक शर्मनाक बात क्या हो सकती है। यह वह पीड़ित अंग है जो बच्चे के पैदा होने और उसके रोने पर सर्वप्रथम काम आरंभ करता है। इससे ही जीवन का आरंभ होता है। इसलिए आप सबके समक्ष इस विषय की विवेचना करेंगे। आपसे अनुरोध है, सक्रिय भाव से इसके भागी बने। चर्चा से कुछ पहले जान लें ताकि ये चर्चा संवाद हो जो सार्थक होता है। पहली बात, यह रोग कालिक अर्थात पीरियोडिक है। जैसा कि आप जानते हैं, पीरियड को तोड़ना अति कठिन होता है, इसलिए अनेक दावों के बावजूद यह रोग असाध्य माना जाता है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली कहती है अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है ताकि दमे से पीड़ित व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। दमे का दौरा पड़ने से श्वास नलिकाएं पूरी तरह बंद हो सकती हैं, जिससे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो सकती है। यह चिकित्सकीय रूप में आपात स्थिति है। दमे के दौरे से मरीज की मौत भी हो सकती है। अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है ताकि दमे से पीड़ित व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। तीसरी बात, इसका कारण है हर मान्य प्रचलित चिकित्सा प्रणाली रोग को पदार्थ मानती है और पदार्थ से ही उपचार करती है। हम प्रचारों से इतने सम्मोहित अर्थात हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं, सत्य को देखना ही नहीं चाहते। सत्य यह है, आज तक दमे का एक भी केस प्रचलित प्रणालियों से ठीक नहीं हुआ और होगा इसकी कोई संभावना नहीं है। एक मोटी छड़ सुई के छेद में नहीं जा सकती, यह हम सम्मोहन की अवस्था में नहीं समझ सकते। होम्योपैथी के लिए हर रोग ऊर्जा है। यह रोग इस तथ्य का सबसे प्रामाणिक और सिद्ध प्रमाण है, जीवन अर्थात ऊर्जा पदार्थ से प्रभावित हो तो वह इस संसार में टिक ही नहीं सकता। अतः ऊर्जा के लिए ऊर्जा ही नियम होगा और इसका प्रमाण है दमा। होम्योपैथी से सरलता से ठीक हुआ है, होता है और होता रहेगा। इसके लिए सम्मोहन से बाहर आना होगा, पदार्थवाद से छुटकारा पाना होगा, सशक्ति जिंदगी जीने के लोभ से छुटकारा पाना होगा। आंखें आसमान की ओर उठानी होंगी, तब जानेंगे जीवन क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। आज इसी विषय पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, दो क्वेश्चन पूछना चाहता था। एक तो आपने कहा कि ये पीरियोडिक है, मैंने देखा है कि हाँ, मेरे ब्रदर को भी पीरियोडिक जब सीजन चेंज होता था तो वो अपना पफ लेते हैं उसके लिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इज़ इट समथिंग जो क्या कहते हैं, ये एरिया वाइज भी होता है कि आप अगर सी साइड की तरफ रह रहे हैं तो आपको ये बीमारी हो जाएगी, या अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जैसे बैंगलोर हो गया जहाँ पे वेदर इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता, तो वहाँ पे जनरली देसे के लोगों को हो जाता है, तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे? पहली चीज़ तो जो पीरियोडिक हम जैसे कहते हैं ना,
साइक्लिक, उसे समझ लें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लीनियर जाती हैं, और लीनियर जाने को आप रोक सकते हैं या कहीं ना कहीं जा करके ख़त्म हो जाएगी। पीरियोडिक का मतलब है कि उसी सर्कल में, उसी पाथ में वो बार बार घूमती है, और फिर वही पॉइंट्स बार बार आते हैं। जैसे हमारे होम्योपैथी में क्या कुछ पीरियोडिक डिसीजेज होती हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन है, इट्स पीरियोडिक, 28 दिन में, 30 दिन में उस पीरियड पे आता है। उस पीरियड को हमें मेंटेन करता है, करना पड़ता है। तो मेंस्ट्रुएशन में जब मान लो किसी को लेट होते हैं या जल्दी आते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि ये पीरियोडिक है, ये अपने पीरियड पे होनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ मस्ट फॉर द नेचर टू रिलीव द सिस्टम। इसी तरह से मलेरिया, ये मलेरिया पीरियोडिक डिसीज़ कहते हैं। पीरियोडिक डिसीज़ का मतलब है ये शुरू होगी और उस अपने उसको सर्कल में घूमती रहती है, चलती रहती है, बार बार आती है। उसको जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे तब तक आप अस्थमा को ठीक नहीं कर सकते। ये तो पीरियड का मतलब, जैसे चांद है, अपना सूर्य है, एक फिक्स टाइम में वो अपना रिवॉल्व करते हैं। हर स्टार, हर यूनिवर्स में एक पीरियड से हर चीज़ घूम रही है, उस पर घूमती रहती है। 365 दिन है, 28 दिन है, जैसे मून घूमता है। इसी तरह से जब ये कोई डिसीज़ पीरियोडिक हो जाती है, तो अगर उसको आप हथौड़े से रोकना चाहें या किसी पत्थर से रोकना चाहें तो नहीं रोक सकते। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जैसे मैंने कहा ना कि हम क्या कर रहे हैं, सुई के छेद में मोटी छड़ डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पदार्थ को पदार्थ से आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बट अगर आप पत्थर को हवा में फेंके तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, उसे पार करके तो कहीं दूसरी जगह गिर जाएगी। इसीलिए ये होम्योपैथी कहती है कि हर रोग एनर्जी है। अगर आप इस एनर्जी को अपने सिस्टम में लाना पड़ते हैं, हार्मोनी में लाना पड़ते हैं, वेव में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या प्रयोग करना पड़ेगा? एनर्जी प्रयोग करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा कि ये जो पीरियड है ना, इसका हम तोड़ सकते हैं। हम कह रहे हैं मतलब होम्योपैथी तोड़ सकती है, होम्योपैथी के पास, क्योंकि सारी दवाइयाँ कैसी हैं, एनर्जी मेडिसिन से, एनर्जी पर एनर्जी काम करती है। जैसे मैंने अस्थमा का उदाहरण दिया ना, इससे बड़ा तो उदाहरण कोई है ही नहीं। क्योंकि बच्चा अगर रोए ना तो सारे घर में सारे डॉक्टर को चिंता हो जाती है, भी रोया नहीं, क्योंकि बिना रोए वो सांस उसके अंदर जाएगी नहीं। तो पहला जो ऑर्गन काम करता है जीवन के लिए, लंग्स, और वहीं जाकर इफेक्ट होता है, और वहीं से आकर के जो हमारी, जो हमने किया है, जिस हालत में बच्चे को रखा है, जिस हालत में प्रेग्नेंट वूमेन को रखा है, उनका सारा इफेक्ट उस पर पड़ता है। इसलिए हमारा सवाल, या समाज का सवाल, या हर एक दिशा में कहना चाहिए, व्यक्ति का ये सवाल होना चाहिए कि बच्चे को क्यों होना चाहिए? बच्चा तो एक नेचुरल फॉर्म में आता है, किसी गाय के बच्चे को तो नहीं होता, किसी मुर्गी के बच्चे को नहीं होता। अंडा देती है, बच्चा पैदा होता है, उछलने लगता है। ये हमारे ही साथ क्या हुआ है? तो इन चीज़ों को हमें सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, एक हमारे यहाँ मॉडलिटीज़ हैं जो हम सबसे पूछते हैं कि जब भी आपको इस सिम्टम आता है उसको आप मॉडलिटीज़ दीजिए, बताइए आपको किससे अच्छा लगता है, किससे ख़राब लगता है। जैसे मैं अक्सर पूछता हूँ, सुबह होता है, शाम होता है, दोपहर को होता है, ठंड से अच्छा लगता है, गर्मी से अच्छा लगता है, हवा में अच्छा लगता है, सी साइड अच्छा लगता है या सी साइड में ख़राब होता है। ये मॉडलिटीज होती हैं। जैसे अभी मनीष साहब ने कहा कि जैसे जहाँ पानी होता है या समुद्र के किनारे होता है, समुद्र के किनारे हमारे अलग हो जाती है। एक पेशेंट वहाँ जाकर के बहुत अच्छा लगता है उसको सी शोर पर, दवाई दूसरी हो जाती है। एक को क्या हो, वर्ष हो जाता है, दूसरी अलग हो जाती है। तो यही इसकी ब्यूटी है, होम्योपैथी की ब्यूटी ये है। वो ये नहीं देखते कि आप कहाँ कैसे रह रहे हैं, पर अगर उस एनवायरनमेंट से, उस सराउंडिंग से आपको अफेक्ट हो रहा है, वो हम नोट करते हैं क्यों हो रहा है। नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको तो अनलिमिटेड बनाया है नेचर ने, अनंत शक्ति आपको दी है, हर इस जगह आपको रहने की ताकत दी है। वही आदमी डेजर्ट में रहता है, वही नॉर्थ पोल में रहता है,
उसको हमें उस लायक बनाना है ताकि वो हर जगह रह सके। धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है, सो बढ़ता है, नेचर उसके साथ प्ले करती है, खेलती है, जुकाम आते हैं, खांसी आती हैं, बुखार आती हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमार चल रहा है। मतलब ये है कि जो अंदर हमारी प्रकृति या शक्ति है वो बाहर की शक्ति से इंटररिएक्ट करती है, उसको उठाती है। जैसे सांप में वो होता है ना, पिटारे में सांप होता है, उसको ऐसे करते हैं निकलता है, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है, उसी को शक्ति का बढ़ना कहते हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य हमें रखना पड़ता है, हम प्रकृति से दूर हटते चले जा रहे हैं। तो सारी जो प्रॉब्लम बच्चों के साथ अब आ रही हैं, इसी पूरे परिप्रेक्ष्य में हमें इसको देखना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब, ये जो क्या कहते हैं सीजन चेंज होता है और लोग जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उसमें एग्रीवेट हो जाता है उसका? जी हाँ, जी हाँ, वही मैंने कहा ना कि ये अलग अलग होता है, ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा। किसी को बरसात में अच्छा लगता है, बहुत भी ठीक रहता है, किसी को गर्मी में परेशानी होती है। अब जैसे हमारे यहाँ एक सीपिया है, सीपिया वो क्या हमेशा गर्मी में उसको प्रॉब्लम होगी, वो हमें डिसाइड करना पड़ता है। उसी अस्थमा के लिए किसी को ठंड में अच्छा लगेगा, किसी को गर्मी में अच्छा लगेगा, किसी को बरसात में अच्छा लगेगा। ये हमारे यहाँ मॉडलिटीज़ कहती हैं, ये हमारे उस डिसीज़ को, हमारी नेचर को, हमारे व्यक्तित्व को बताती हैं। तो हम बीमारी के लिए दवाई नहीं देते, उस आदमी वो है क्या, वो इंडिविजुअल क्या है, जिसे हम व्यक्ति कहते हैं, वो अकेला है, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। वही हम ज़्यादातर जो हम बता रहे हैं वही कह रहे हैं, आप सबको अपने भेड़ बकरी मत समझिए कि सबको एक ही डंडे से हाँक लेंगे, आप अलग हैं। डॉक्टर साहब, मुझे पूछना है कि मेरा ग्रैंडसन है कबीर, 5 साल का, उसको अस्थमा है। तो मैंने सुना था कि बच्चे छोटे जो होते हैं उनको बड़े होते होते फिर अस्थमा ठीक हो जाता है विद टाइम, क्या ऐसा ठीक है बात? हाँ जी, एक क्वेश्चन हो गया ये तो मेरा। दूसरा मेरा अपने बारे में है कि मेरा जो अस्थमा है वो डाइजेशन से रिलेटेड है, क्योंकि जब मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होता या कोई चीज़ जैसे रिएक्ट करती है, जैसे मीठा खाने से एग्रवेट होता है या पानी पीने से एग्रवेट होता है, कोई भी बाज़ार की चीज़ जिसमें कोई प्रेजर्वेटिव हो उससे एग्रवेट होता है, तो ये क्या नॉर्मल अस्थमा से, जैसे आप बता रहे हैं कि पीरियोडिक होता है, ये क्या डिफरेंट है उससे मेरा जो अस्थमा है? ये दो क्वेश्चन। जैसे पहला सवाल पूछा है ना बच्चे के बारे में, वो तो मैंने पहले ही कहा है आपसे, यही तो हमारे बार बार मेरे मन में उठता है कि हमारे बच्चों को ये क्यों हो रहा है। ये तो आप अस्थमा की बात कहते हैं, चश्मे क्यों लग रहे हैं बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को चश्मा क्यों लग रहा है? ये सवाल हमें पूछने पड़ेंगे। और उसका कारण है, उसका कारण क्या है कि जिस तरह से हम एक प्रेग्नेंट वुमेन के साथ व्यवहार कर रहे हैं वो सब बच्चे के ऊपर इम्प्रिंट होता है। सीधा सा सवाल है, अगर नेचर की तरफ आप जाएं, एक गाय है, मैं और का नाम नहीं लूँगा, उसको हम कौन से विटामिन खिलाते हैं, कौन से आयरन खिलाते हैं, कौन से कैल्शियम खिलाते हैं, उसके कितने अल्ट्रासाउंड चलते हैं, बच्चा पैदा होते ही उछलने लगता है। हमारे बच्चों के साथ क्या हो गया है? आप इतनी उसकी केयर कर रहे हैं, आप उसको हर महीने बुलाते हैं, चेकअप चल रहे हैं, इन चेकअप के बावजूद अगर हमारे बच्चों को ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, हमें नहीं सोचना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। अब उस बच्चे को हो जाता है, यही नहीं है, मेरे पास तो बहुत से ऐसे आए हैं, मेरे पास बहुत केसेज हैं अस्थमा के, बहुत केसेज हैं पैदा होते ही आगे जॉन्डिस हो गया साहब, सांस नहीं ठीक आ रहा, पैदा हुए 6 दिन का बच्चा है, आगे है मेरे पास और वो 20-20 साल के हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ गलत कर रहे हैं नेचर के साथ, और वो गलत आप सबको मालूम है क्या हो रहा है, हम बार बार यही कहते हैं, हमने उसकी जड़ को ही हिला दिया, इसलिए उसको होता है बार बार है? और ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा, और हुए हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ हम कहते हैं, हमारे पास तो इसके तो हजारों पेशेंट्स हैं। दूसरा जो आप सवाल पूछ रहे हैं वही मैंने पहले कहा था, ये मॉडलिटीज़ होती हैं, किसी को खाने से बढ़ता है, किसी को
ना खाने से बढ़ता है, इसलिए हम पूछते हैं कि आपको कहाँ से बढ़ता है। चाय से बढ़ता है, भारी खाना खाने से बढ़ता है, वो सब हमारे सिम्टम्स हैं। वो हमें ये बताते हैं कि ये अस्थमा का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसकी है, व्यक्ति की है। वो उस चीज़ को कैसे ले रहा है, इसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट होता है और उसी के साथ दवाई आती है और उसी दवाई को हम देते हैं। वो इसलिए पूछते हैं, जैसे पूछते हैं रात में होता है, दिन में होता है, सुबह होता है, शाम होता है, किस खाने से बढ़ता है, ठंडा खाने से बढ़ता है, गर्म खाने से बढ़ता है, ये सब जो हम सिम्टम्स ले रहे हैं ना, ये किसके बारे में पूछ रहे हैं, बीमारी के बारे में नहीं पूछ रहे, उस व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। अस्थमा के हजारों केसेस हैं, उस हजारों केसेस में किसी को खाने से बड़ा आराम मिलता है, अच्छा दूसरा किसी को लेटने से बड़ा आराम मिलता है, किसी को वो लेटते ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये सारी जिसे हम मॉडलिटीज़ कहते हैं, मॉडलिटीज़ का मतलब है एमलरेशन एंड एग्रेवेशन। समझ लीजिए कि किस चीज़ से आपको आराम मिलता है, किस चीज़ से बढ़ता है। ये हमारे लिए जस्ट लाइक डायमंड है, गोल्ड भी नहीं कहूँगा, उसको नोट कीजिए, उसको बताइए। ये मत देखें कि आपको अस्थमा है, आपको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, आपको खांसी आ रही है, आप वो बताइए जिससे हमें ये पता चलता है कि आप क्या हैं, आपके लिए दवाई आएगी और इसलिए ठीक होते आते हैं। एक तो हेरिडिटी से होता है और एक एलर्जी की वजह से होता है, तो जो हेरिडिटी की होता है, हेरिडिटी वाइज होता है, वो क्योर कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में, मतलब जब हो रहे हैं उससे पहले से ही आ जाता है, तो वो कैसे क्योर हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल है और हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम यहाँ आकर के खड़े हुए हैं उसका एक मूल है, जड़ है, उस मूल की तरफ जाना पड़ता है। एक पेड़ को जिस तरह का हम खाद पानी देंगे उसी तरह से वो बढ़ता है, और जड़ें जितनी गहरी जाती हैं उतना ही ऊंचा वृक्ष जाता है। और जीवन कहाँ रहता है, अंधेरे में रहता है, जड़ों को रोशनी दिखा दो मर जाएगी, इसलिए उस जीवन को हमें जानना पड़ता है। इसलिए जब हम पूछते हैं ना कि भाई आपकी फैमिली हिस्ट्री, जैसे आप लोग आते हैं पूछते हैं ना कि फैमिली में, आपके फैमिली में मामा की तरफ और बाबा की तरफ हैं, किसी को अस्थमा तो नहीं था या टीबी तो नहीं थी या कैंसर, जनरली आप पूछते हैं ना, वो इसलिए पूछते हैं कि हमें उसको पहचानना है कि ये कहाँ से आ रहा है, उसी हिसाब से आपको दवाई दी जाती है, वो कट हो जाता है। जो भी गलत आ रहा है उसको कट करना है, और वो कहाँ से हो सकता है, क्योंकि हम क्या हैं, हम सब क्या हैं, एनर्जीज हैं, ऊर्जाएं हैं, हम ये शरीर नहीं हैं, ये तो चला जाएगा, आप तो करोड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं, रूप बदलता रहता है, पर आप तो वही रहते हैं। इसलिए जो आपके साथ आया है गलत, उसके लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं। इसलिए क्योर होने का मतलब ये है, अभी जो हम कर रहे हैं, एक रिकवरी होती है, एक क्योर होता है। रिकवरी का मतलब आपको ठोका पीटा ठीक कर दिया जा भैया, क्योर का मतलब है आपको उस चीज़ से छुड़ाना है जो आपके साथ लग गया है, जो पीछे लग गया है, भूत लग गया है या डायन लग गई है या जो कुछ भी पीछे पीछे लग गया है, उसको हटा के बाहर फेंक देना, हटा देना है, काट देना है, और कटते हैं बेटे। इसलिए जैसे कैंसर का होता है, डायबिटीज़ का होता है, ये चीज़ें हमारे साथ चली आ रही हैं, ये पॉइजन है, ये एनर्जी है। अगेन आई रिपीट, इसको अगर आप पदार्थ मानेंगे तो इससे छुटकारा नहीं पा सकते, वो भी ताकतवर है, वो छोटा सा आप कितना भी काट लो आप उसको नष्ट नहीं कर सकते, ये तो साइंस का नियम है, कोई भी चीज़ को आप नष्ट नहीं कर सकते, उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बामरा आरोग्य केंद्र होम्योपैथी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिनकी वजह से मेरी बच्ची आज काफ़ी ठीक हालात में है। जब 2 साल की मेरी बच्ची थी तो मैं लेकर आई थी इनके पास, मतलब एलोपैथी इलाज के बाद, तब वो बच्ची सांस भी लेने में बड़ी प्रॉब्लम महसूस करती थी, लेकिन आज वो मेरी बच्ची 5 साल की है, 3 साल हो गया मेरे को इनके पास आते हुए, तो वो बच्ची इस समय ठीक है, उसको अटैक आता है, अस्थमा की प्रॉब्लम अभी है, लेकिन पहले जो वो वीकली एक अटैक आता था वो अब उसको
दो महीने में, तीन महीने में, चार महीने में जाकर आता है, और वो भी क्यों आता है वो हमें समझ आ रही है कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया भी, प्रॉब्लम व्यक्ति खुद होता है। तो वो इसलिए कि बच्चा है, बाहर गया, स्कूल गया, उसको चॉकलेट की प्रॉब्लम है, ठंडे की प्रॉब्लम है, खा पी आया स्कूल से, उसको मिली कहीं से, वो खा ली और उसको वो प्रॉब्लम हो गई। कुछ वो जैसे सीज़न की वजह से भी हो जाती है। तो इसलिए मैं इस होम्योपैथी की बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में मेरा डॉक्टर साहब से एक ही क्वेश्चन है कि क्या अस्थमा की वजह से बच्चे की बॉडी ग्रोथ पे और माइंड पे ग्रोथ पे क्या कोई असर होता है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने बताया कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन पूरा वो नहीं होता, तो ये कितने समय तक ऐसा रहता है कि बच्चे को कितने समय तक इतना इसको वो करना पड़ेगा? पहले जो मैं कहना चाहूँगा, ये तो हमने एलोपैथी का जो कोट दिया था ना आपको, कि हम इसको क्योर नहीं कर सकते, ये उनके हैं, ये हमारा नहीं, ये नहीं। वो तो वो मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं हर एक, ये बड़ी अच्छी बात है। वो तो कोई भी बीमारी ठीक नहीं कर सकता, वो तो बात की बात है। मैं ये तो है ना, वो उन्होंने कहा, हम क्या कह रहे हैं कि 100% ठीक हो जाएगा, सिर्फ उसका डायरेक्शन ठीक करना है। हमें उस बच्चे को इतनी एनर्जी दे देनी है, उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देना, जो कि उसने नेचर से पाया है, जो उसे मिला है, जो उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, जो उसको ओरिजिनली मिला है, उसी स्टेट में उसको ला देना। उसको तो अनंत शक्ति मिली है। अब देखो कितना दुख होता है, आप में कुछ ज़्यादा बड़े तो नहीं है पर मुझे अपने बचपन की याद है, मुझे कितना दुख होता है एक बच्चे ने आइसक्रीम खा ली, जुकाम हो गया, क्या मतलब हुआ? बच्चे को खाना है, बच्चे की उम्र है खाने पीने की। बच्चे मिट्टी खाते हैं, बड़े तो नहीं खाते, खाते हैं बहुत से, पर बच्चा ही मिट्टी खाता है ना, मिट्टी खाने से बच्चे को क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं होता, उसमें शक्ति है इसलिए वो खा रहा है। खट्टे बेर, मीठे बेर, खट्टी छोटी छोटी, ये उसमें मिला मिला के जाने क्या क्या उत्पाद हमने किए हैं। हमें कितना दुख होता है कि बच्चा छोटी सी चीज़ खाया, शादी ब्याह में गया या कहीं किसी ओकेजन में गया या अपने बर्थडे में जैसे आप आज मनाते हैं, वो थोड़ी सी चीज़ खाए उसे हो गया, माँ बाप को परेशानी होती है। नहीं, ये गलत है। हमें उस बच्चे को अपने उस पर लाना है ताकि उसमें इतनी शक्ति आए कि वो हर चीज़ को एसिमिलेट कर सके, और उसके साथ साथ उसको ये भी देखने की एक विवेक आना चाहिए कि उसे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। 35 साल तक ये पता चल जाना चाहिए। पर बच्चे का मतलब थोड़ी है, बच्चे का तो मतलब है हर चीज़ को वो टेस्ट करे, हर चीज़ को जाने, हर चीज़ को सहन करने की शक्ति पैदा करे। शिव हैं, शिव ने क्या किया? जहर पी लिया। शिव को ही तो जानते हैं जिन्होंने देवताओं में अमृत पिया था, उनको तो नाम आपको नहीं मालूम है ना, अमृत भी पिया था ना, अमृत भी निकला था, जहर भी पिया। पर जो जहर पीने वाला है उसी को हम याद करते हैं, उसी को हम जानते हैं, उसी स्थिति तक हमें बच्चों को लाना है, इसलिए दुख होता है। देखो मेरी 80 साल की उम्र होगी, जब मैं बच्चों को ऐसी हालत देखता हूँ तो रियली एक रोना आता है, क्या कर दिया हमने, और हम इतने बड़े बड़े डींगे हाँक रहे हैं, हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, दिल बदल दिए जी, किडनी बदल दी जी, अब लीवर बदलने की कोशिश है, करिए क्या क्या कोशिशें हैं तुम्हारी। एक छोटे से बच्चे को आप उसका जीवन नहीं दे सकते, जीने की सुविधाएं नहीं दे सकते, हैं उसको जो अनंत शक्ति मिली है उसका उपयोग करने की सुविधाएं नहीं दे सकते। यही हमारी स्वास्थ्य योजना है, इसी पर हमें सोचना पड़ेगा।